देन सबको छोड़ा जा रहा है अब पूरी तरह से। आज एक पुराना हेटर्स भी बोल सकते हैं, व्यूअर्स भी बोल सकते हैं, एके जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा बोलता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं मिलने आ रहा हूँ, मैं ये ढीकरा पूछड़ा, इतनी बातें बोलने के बाद भी जहाँ उसकी ज़रूरत थी ना वहाँ मुँह तक नहीं खोलता है, मुँह जहाँ जिन बच्चों को इसकी सच में ज़रूरत होती है वहाँ किसी को भी बोला नहीं जाता। बोलते कहाँ हैं, जहाँ फालतू की पंचायत करनी हो ना वहाँ। और अभी ये सब डॉग्स है, ये आगे चिंकड़ी और आते ही फिर ये मस्ती में खुल गई। लो ये देखो चिंकड़ी चिंकड़ी, आज हो सकता है पाली से एक डॉग आए जो कि पोमेलियन है और बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा वगैरह करता है, अग्रेशन बोल सकते हैं, छोटी ब्रीड है तो पोमेलियन अक्सर चिड़ोकली तो होती है, हर किसी को बर्दाश्त नहीं करती है, भौंकती रहती है वगैरह वगैरह, ये कॉमन चीज़ है जो सभी पोमेलियन में पाई जाती है। गिनती के एक दो पोमेलियन अच्छे भी होते हैं जो बेचारे बहुत ही भोले सीधे साधे होते हैं, वो भी हमारे हॉस्टल में आके जा चुके हैं। और लूसी पूरी तरह से घुल चुकी है, पूरी तरह से। अब लूसी के ओनर जब आएंगे तब इसका रिएक्शन लेंगे, कैसा रहा क्या रहा ओनर से पता रहे करेंगे। कमेंट भी आया है कि पैसे नहीं थे तो उसको वापस भेज दिया, ये वो। तो भाई मैं बिजनेस ही करता हूँ, ये लव मेरा साइड में है, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसमें काम करता हूँ, और मेरा अच्छा लगना और मेरा दिल लगने की वजह से ही लोग हमारे पास भेजते हैं इनके केयरिंग के लिए, और ये सब बिजनेस के तौर पर है। क्योंकि दुनिया में दिल दरिया हो या वो समुंदर हो, सब लोग आज पैसों की कदर करते हैं भाई। अगर नहीं समझ में आया अभी तक कोई बात नहीं, आ जाएगा बड़े होने पर, आज पैसे नहीं तो कुछ नहीं है। और पीछे भी लोग किसके पड़ते हैं, जो पैसे वाले होते हैं ना उनके पीछे ही पड़ते हैं, हमारे जैसे कि नहीं है। अरे यार मार्को मार्को आज जाने वाला है, कॉल आ गया है। ऐसी मस्ती और कहाँ देखने को मिलती है बताइए आप। और चाहे कोई भी डॉग हो, किसी भी घर से हो, अग्रेसिव हो या नॉर्मल हो, डरपोक हो या कुछ भी हो, यहाँ आके हम सबको एक ही जैसा रखते हैं, इसीलिए तो सारी ब्रीड्स होते हुए भी सब साथ में रह रहे हैं। बहुत कम जगह ऐसा रहेगा जहाँ मतलब सिंगल सिंगल डॉग को या दो दो तीन तीन को ग्रुप के साथ ही रखा जाता है, एक साथ इतने को साथ में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि वो सब अलग अलग घर से होते हैं, एक ही जना पाल रहा है या कोई ब्रीडर है या ऐसा कुछ है तो वो डॉग साथ में बड़े हो रहे हैं इसलिए कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सिंगल सिंगल आप ऐसे रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा ध्यान नहीं रखे तो कोई भी पावरफुल ब्रीड किसी भी छोटे मोटे डॉग को बहुत बुरी तरह से घायल कर सकती है, हो सकता है मार भी सके, तो ऐसे में हम क्या करें फिर, कैसे करें क्या करें। लेकिन कोई नहीं, पर बहुत टाइम बाद ये एक के आया है, बीच में तो गुल्ली हो गया था, पता नहीं कहाँ गया था। कि आज हमने डॉग फूड में आज हम देंगे चावल प्लस सोयाबीन बॉल प्लस ग्रेवी जो कि डूल्स की है, हनी इसके अंदर है, बाकी सब यहीं पर है। ये है अभी, वैसे आज जा रहा है ना, आज इसके ऊपर और वजन आ रहा है, अभी ये चला जाएगा, कॉल आया है तो करीबन 8 बजे तक आए। नो इसके ऊपर नहीं जमने का ना, इसके 8 बजे तक शायद ओनर आ जाएंगे जैसलमेर से। तो अब सब कुछ छोड़ा जा रहा है, पुलिस वाले ने भी कुछ नहीं किया भाई, झूठ क्यों बोलूं मैं। उस केस का जो FIR वगैरह किया था मैम का अपडेट आया मुझे, कुछ इतना रिस्पांस नहीं रहा उसका। ये है दुनिया, अगर कोई किसी डॉग को मार भी दे ना तो साले बोलने वाले बोलते नहीं है, और जहां नहीं बोलना है या कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सब अपनी टांग घुसाएंगे। अगर मैं अब चैलेंज देता हूँ एके को, है औकात तो कर उसका कुछ। उसने एक डॉग तो मारा जो मारा ही है, लेकिन ओनर्स के पास थोड़े वीडियोस भी पड़े हैं जिसमें वो जब अपने घर के पास खाना खिला रहे हैं तो भी डंडी से उससे मार रहे हैं, तो क्या कर सकता है तू, क्या है तेरी पावर, दिखा मुझे। खुल के चैलेंज देता हूँ, अगर है हिम्मत तो करके दिखा उसका कुछ, जो FIR वाली पोस्ट की हुई है उसमें कर कुछ कमाल, तो मान जाऊंगा तुझे और ऐसे ही सल्यूट कर दूंगा, नहीं तो तेरे जैसों को तो मुंह भी नहीं लगाऊंगा। अब ये लास्ट मैसेज है, जो वीडियो कॉल पे भी मैं जो बोल रहा हूँ ये लास्ट इसीलिए बोल रहा हूँ, उसके बाद कोई कमेंट आया तो मैं उसका रिप्लाई भी नहीं दूंगा, ठीक है। ये यहाँ क्या फ्रेश होने की आदत बनाई है इसने, ये चिंकी को परेशान कर तो रहा है, चिंकी फिर इसको धोएगी अच्छा खासा। चिंकी को दे, चिंकी को दे, इसको खिलाने की कोशिश कर,
बर्फी तो उसको खिला। ऑस्कर खा ले जल्दी खा, रख दे इधर रख दे, बस हट जा ऑस्कर खा ले। ऑस्कर को खाना नहीं है और ये चिंकी से पिटेगा। पीछे डाल दे उसको, हाँ यहीं रख दे, छोड़ दे। इसका मतलब ये है कि चिंकी अब आने वाली है पीरियड्स पर, या तो पीरियड्स पर आ चुकी है या जस्ट आने ही वाली है, इसलिए इसका रिएक्शन ऐसा है। और धीरे धीरे इन सब का हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमको पहले ही वॉर्न कर रखा है, उनके घर पर काम चल रहा है और उस वजह से वो इसे यहाँ रख रहे थे, और उन्होंने कहा था अभी पीरियड्स आने में ही है और लगता है अब स्टार्ट हो गया इसको पीरियड्स। एक दो दिन से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, इसको सबसे पहले पता चला है। खड़ा है, वेरी गुड वेरी गुड, यहीं खड़ा रहे। अरे मजनू तू खाना खा ले जाके, हटाओ फिर और क्या, दरवाजा खोल दो, बाकी सब बाहर चले जाएंगे, नहीं तो इधर ही करेंगे फिर। चलो आज ऑलमोस्ट सबने खाया है सिवाय बर्फी के, बर्फी ने नहीं खाया। हो गया है दीवाना, मैगी से मार खाने की कोशिश में आई है, खाना तो खा नहीं रहा है दीवान जी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।